खंडे उराम तुलसी जयति वचन उजार। सब लोग जय जयकार करने लगे। भगवान श्री राम ने धनुष को कब उठाया, कब खींचा, कब टूटा किसी ने नहीं। और ऐसी भयंकर ध्वनि हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि महाराज पूरा ब्रह्मांड कांप गया, पृथ्वी में भूकंप आ गया, डिगत उर्वी अति गुर्वी, सर्व भव्य समुद्र सर, सारे समुद्र उफान लेने लगे, आकाश में सूर्य चंद्रमा मानो आपस में टकरा गए, देवताओं के विमान आपस में टकरा गए, दसों दिग्गज जो दिशाओं को धारण करते हैं वे दिग्गज अपने स्थान से हसक गए, विगत उर्वि अति गुर्वि सर्व पप्पय समुद्र सर, दिग्गयंद लर खरत परत दसकंद मुख हर, सुर विमान हिम भानु भानु संघटत परस्पर, देवताओं के विमान आपस में टकरा गए, ऐसा कंप हुआ पूरे ब्रह्मांड। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भूमि कंपच्च सुमहान पर्वतस्य वदीर्यतः। राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि जैसे हिमालय पर्वत बीच से फट जाए, पट 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 पट, पर्वतस्य वदीर्यतः, जैसे पर्वत में दरार पड़ जाए और पर्वत फट जाए, ऐसी ध्वनि हुई, संपूर्ण पृथ्वी कांप गई और जितने लोग थे वहां पर सभा में, निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः, निपेतुश्च नराः सर्वे, जितने लोग वहां पर थे सब लोग धड़ाम धड़ाम गिर पड़े, तेन शब्देन मोहिता, उस मनुष्य के टूटने की ध्वनि को सुनकर। अब ये महर्षि वाल्मीकि की वाणी है, यहां तो सब कुछ देख करके वर्णन कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि। तो आप क्या कहोगे, सब गिर गए? बोले हां सब गिर गए, सभा में जितने लोग थे सब धड़ाम धड़ाम गिर गए, लेकिन चार लोग बचे रह गए। स्वयं महर्षि वाल्मीकि कहते हैं वर्जयित्वा राजानम, एक जनक जी नहीं गिरे, वर्जयित्वा राजानम तौ औ मुनिवरम, वर्जयित्वा मुनिवरम राजानम तौ च राघवो। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि धनुष के टूटने पर जो ध्वनि हुई, सब लोग गिर पड़े चार लोगों को छोड़कर। वे चार लोग कौन थे? बोले एक जनक जी, एक विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण दोनों भाई। बस राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी और जनक जी को छोड़कर बाकी जितने लोग सभा में थे सब गिर पड़े। हाँ, जनक जी के जो गुरु बाबा थे सतानंद जी, वो भी ढुलक गए। हाँ, वो भी गिरे ही होंगे क्योंकि चार ही लोग तो बचे। वर्जयित त्वा मुनिवरम, चा मुनिवर को छोड़कर राजानम तो उच्च राघव। लेकिन गिरने के बाद सब उठे, उठ करके सबने अपने हाथ पैर झाड़े और सबको मजा आ गया और सबने जय जयकार की। सबने यही कहा वाह 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 वाह, राम जी ने तो धनुष तोड़ दिया। चारों तरफ यही जय जयकार होने लगी, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया, तोड़ दिया रे, तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया, तोड़ दिया रे, तोड़ दिया
बोलो श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। सब लोगों ने जय जयकार की, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया, धनुष टूट गया। अब तो श्री जानकी जी वरमाला लेकर के आती हैं भगवान श्री रघुनंदन को पहनाने के लिए। लेकिन जानकी जी 6 वर्ष की हैं और राम जी 12 वर्ष के। राम जी के गले तक श्री जानकी जी का हाथ पहुंचता ही नहीं, तो जानकी जी सोचती है थोड़ा झुक जाए तो मैं इनके गले में वरमाला डाल दू। लेकिन राम जी झुकने को तैयार नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया झुकना मत, हम क्षत्रिय कुमार हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं और एक नारी के सामने झुक गए। अब तो राम जी और तन करके खड़े हो गए। सखियां गीत गाने लगी कि सरकार मेरी जानकी बहुत छोटी है, आप थोड़ा झुक जाओ। बड़ा विनय किया सखियों ने, झुक जइयो ललन रघुवीर नली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुवीर छोटी सी, छोटी जियो ललन रघुवीर छोटी सी, छोटी जियो ललन रघुवीर छोटी सी, नहीं मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी, नहीं मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी, नहीं मोरी छोटी किशोरी मोरी
छोटी मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी तुम हो मरी बरती किशोरी मोरी छोटी तुम हो मरी बरती मोरी छोटी तुम हो राम जी अयोध्या के राजा 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 हम हिंदी के करीबी बोली छोटी सी हमने जनक के करीबी बोली छोटी सी सखियों ने प्रार्थना की, सरकार आप झुक जाओ, मेरी लली छोटी। लेकिन प्रार्थना करने पर भी ठाकुर जी जब नहीं झुके तो सखियों ने युक्ति निकाली। और सखियों ने युक्ति क्या निकाली, बोले सखियों ने कहा, गावहिं छवि अवलोक सहेली, भगवान के स्वरूप को देख करके सखियां गीत गाने लगे। गावहिं छवि अवलोक सहेली, रटा रटाया गीत नहीं गा रही। जैसे आज ब्याह में वही बन्ना बन्नी का गीत सबके ब्याह में गा करके काम चला लिया जाता है, लेकिन ये मिथिला की सखियां हैं, पंडिता हैं। हमारा राम जी को देख रही हैं और उनका जैसा स्वरूप है वैसा वर्णन कर रही हैं और गीत बनता जा रहा है। गाव ही छवि, एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार, एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार। पहली बार मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ हाँ हाँ, दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, दो गज की दूरी को हर जगह बनाएंगे। तीसरा सबक, आपको अपने सौंदर्य पर अगर गर्व है तो आप जरा एक बार चेहरा देख लो हमारी जान। राम जी ने कहा देख ले, हम तो शीशा भी लेकर के नहीं आए, नहीं देख लेते। तो सखियों ने कहा ये मिथिला नगरी है, यहाँ बड़ी अद्भुत विशेषता है। क्या विशेषता,
बोले यहां शीशा की जरूरत नहीं, मेरी जानकी जी की जो परछाई है उस परछाई में आप अपना मुख देखो। मेरी किशोरी जी की शरीर की जो परछाई है ना, वो परछाई इतनी निर्मल है दर्पण के समान कि उस परछाई में उस प्रतिबिंब में आप अपना प्रतिबिंब देख सकते, शीशा की जरूरत ही। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता, दर्पण में तो प्रतिबिंब दिखता है लेकिन प्रतिबिंब में प्रतिबिंब दिखाई पड़े, परछाई में भी मुखमंडल का दर्शन हो जाए, ऐसी विशेषता तो हम दुनिया में कहीं नहीं देखते। सखियों ने कहा यह विशेषता तो हमारे मिथिला में होती, आप जरा एक बार देख लो अपना मुखमंडल तो आपका गर्भ चूर हो जाएगा। वे कहां देखे, बोले किशोरी जी की परछाई। सखियों ने नीचे की तरफ इशारा किया तो जानकी जी की परछाई की ओर देखने के लिए राम जी ऐसे जैसे झुके, तब तक सखियों ने इशारा किया और जानकी जी ने वरमाला डाल दी। जो ही भगवान श्री रघुनंदन नीचे झुकते हैं देखने के लिए, तब तक किशोरी जी ने गले में वरमाला, तीनों लोक में जय जयकार हुआ। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंजेउ। जानकी जी ने राम का वरण किया और राम जी ने धनुष भंग किया, राम जी ने धनुष तोड़ा। मिथिला के भक्त कहते राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा, बोले तब, बोले धनुष तो हमारी जानकी जी की कृपा से टूटा, राम जी क्या धनुष तोड़ेंगे। जो इतने सुकुमार हैं कि पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने में जिनको पसीना होता हो वो धनुष क्या तोड़ पाएंगे। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, मिथिला में सखियों ने देखा था पुष्प वाटिका में प्रातः काल, वो भी अगहन का महीना, अगहन में अच्छी खासी ठंडी पड़ती है, अगहन के महीने में प्रातः काल वो भी फूल तोड़ने में इतना परिश्रम जिसको हो पसीना चूने लग जाए उस व्यक्ति से धनुष टूटेगा, कोई नहीं सकता महाराज। इसलिए मिथिला की सखियां कहती हैं शरद के प्रभात रहे नाही दुपहरिया, शरद ऋतु की प्रभात की वेला थी उस समय, शरद के प्रभात रहे नाही दुपहरिया, नाही रहल जेठ के महीना हो लाल काहे छूटल लिलार पर पसीना। जेठ का महीना भी नहीं था और आपको फूल तोड़ने पसीना हो गया तो धनुष किसने तोड़ा। तो मिथिला के भक्त कहते हैं तो मेरी जानकी जी की कृपा से धनुष टूटा। कहां लिखा है, बोले रामायण में तुलसीदास जी ने लिख दिया। क्या, बोले राम बरी सिय भंजे चापा, राम बरी, राम जी का वर्णन किया जानकी जी ने, सिय भंजे चापा, और धनुष किसने तोड़ा, बोले सिय भंजे जानकी ने तोड़ा, ऐसा अर्थ करते हैं। और सच्चाई तो यह है कि धनुष के तोड़ने में बड़े बड़े लोगों की बड़ी भूमिकाएं थी। भगवान शंकर ने धनुष को पहले ही सिखा दिया था कि जैसे ही राम जी तुमको छुए तैसे तुम टूट जाना। मानो बारे ते पुरारी ने पढ़ायो है, भगवान शंकर ने उस धनुष को पढ़ा करके रखा था, सिखा कर मेरे आराध्य रघुनंदन राम को धनुष उठाने में तोड़ने में कोई श्रम न हो, उनके हाथ का स्पर्श होते ही तुम स्वयं टूट जाना। धनुष ने कहा ठीक है गुरुदेव जैसी आज्ञा। इसलिए राम जी ने धनुष को छुआ तो धनुष अपने ही टूट गया।
इसीलिए परशुराम जी आए तो यही कहते हैं ना लक्ष्मण जी, छुवत टूट रघुपति ही न दोष। राम जी ने तो केवल छुआ और टूट गया अपने आप, राम जी का तो कोई दोष ही नहीं। और एक बड़ा सुंदर भाव श्री हनुमान जी का, हनुमान नाटकम में श्री हनुमान जी महाराज वर्णन करते हैं कि धनुष ने देखा कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं किसी तीर्थ में जा नहीं सकता, मैं कोई तपस्या साधना कर नहीं सकता, और मेरे द्वारा कितने जीवों की हत्या हुई है, क्योंकि धनुष से तो बाण चलते हैं और बाण चलने पर कितने लोगों की मृत्यु होती है। तो धनुष ने सोचा कि मेरे पापों का प्राश्चित्त कैसे होगा। तो हनुमान जी वर्णन करते हैं हनुमान नाटकम में कि उस धनुष ने विचार किया कि राम जी के करकमल में जाकर के मैं अपने प्राणों का स्वतः त्याग कर दूं तो राम के करकमल रूपी तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करने से मुझे भी परम गति की प्राप्ति हो जाए। ऐशम धनुर निज पुरश्चरणाय नूनम देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे। रघुनंदन के पाणि रूपी तीर्थ में, करकमल रूपी तीर्थ में जाकर के धनुष ने स्वयं अपने शरीर को तोड़ दिया। इस प्रकार भगवती श्री जानकी ने भगवान के गले में वरमाला डाली, तीनों लोकों में जय जयकार हुई। और फिर आगे प्रसंग आता है कि श्री जनक जी महाराज ने दूतों को अयोध्या के लिए भेजा है, दूत लोग अयोध्या आते हैं। फिर दशरथ जी महाराज बारात सजा करके जाते हैं और मिथिला में चारों भाइयों का बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न होता है। इन सारे चरित्रों को हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग का यहीं पर विराम। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीता राम। राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, सीता कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, 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 सीता राम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा। रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के, सखी ने आए उतारो, रघुनंदन दुल्हा के, सखी ने आए उतारो, रघुनंदन दुल्हा के, मीरा के हाल मामूर मोती, मीरा के हाल मामूर मोती, सब पहन चाहूंगी धोती, सब पहन चाहूंगी धोती, चरण महावर कर संतन दुल्हा के, देखूं चरण महावर कर संतन दुल्हा के, सखी आरती उतारो, रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतारो, रघुनंदन दुल्हा के, नयन कजलाई कारी, नयन कजल पालक
कुंडल सोने चंचल चंदन फुल आके मन मुस्कान भौरे तेरे चीत है जाती कोई उपमान सकल जान है कोई उपमान सकल जान
बोली श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री योगिनाथ भगवान की जय। विधवार सरकार की जय। सत्य सनातन वेदिक धर्म की जय। भारतवर्ष की जय। भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की जय। श्री मज्जिद गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। और प्रशासन और प्रशासन इस कार्यक्रम को अंतर संपन्न कराएं। आज की कथा यही पूर्णता को प्राप्त करती है। कल प्रातःकालीन सत्र में भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा विषय संगोष्ठी यहाँ इसी सभागार में 10:30 बजे से संपन्न होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को, मीडिया की टीम को, तकनीकी टीम को, वाद्य यंत्रों से सजी